23 अगस्त 2023 यानी वो दिन जब लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरा था। करीब 11 दिनों में रोवर प्रज्ञान ने चांद से जुड़ी तमाम जानकारी को लैंडर विक्रम के जरिए इसरो के हेडक्वार्टर तक भेजा है। वो जानकारी जिसे हासिल करने के लिए दुनिया भर के बड़े से बड़े देश जुटे हुए हैं। चांद पर सूर्यास्त होने की वजह से रोवर प्रज्ञान स्लीप मोड में जा चुका है, लेकिन अब तक के मिशन में इसरो को क्या कुछ पता चला, प्रज्ञान को क्या मिला, आगे किस चीज की उम्मीद है और दोबारा मिशन कितने दिन में शुरू होने वाला है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। पिछले करीब 11 दिनों में चांद की सतह पर उतरे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने हर जानकारी को इसरो के हेडक्वार्टर तक पहुंचाया। सल्फर की खोज हो या एल्युमिनियम का पता, कैल्शियम की मौजूदगी हो या फिर आयरन का ज्ञान, बेंगलुरु तक हर वो जानकारी पहुंची जिसका इंतजार वहां बैठे वैज्ञानिकों को बरसों से था। लेकिन अब प्रज्ञान स्लीप मोड पर जा चुका है, इसरो ने जानकारी दी है। प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है, इसे अब सुरक्षित जगह पर स्लीप मोड में सेट किया गया है। इसमें लगे दोनों पेलोड APXS और LIBS अब बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनलों पर पड़ेगा। इसके रिसीवर को चालू रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू करेगा। चांद पर अपनी करीब करीब 11 दिन की जर्नी के बाद रोवर प्रज्ञान स्लीप मोड में है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पर 14 दिनों तक रात और 14 दिनों तक सूरज रहता है। 14 दिन की इन रातों में तापमान -200 के नीचे चला जाता है। ऐसे में प्रज्ञान की हिफाजत के लिए इसे स्लीप मोड में डालना जरूरी है। चंद्रमा पर लैंडिंग के करीब 14 घंटे बाद इसरो ने रोवर के चंद्रमा पर उतरने की पुष्टि की थी। अब तक के सफर में रोवर प्रज्ञान ने लैंडिंग पॉइंट से करीब 100 मीटर की दूरी तय कर ली है। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा पर सफर किया है, जिसके बाद 100 मीटर की दूरी तय करने में उसे करीब 11 दिन लगे। विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की उस डार्क जोन में एंट्री ली है जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंचा है। इसीलिए रोवर प्रज्ञान की लैंडर विक्रम के जरिए आई हर जानकारी पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर है। पहली कामयाबी, चांद पर भूकंप का पता। इसरो ने बताया कि चंद्रमा 3 के विक्रम लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी ILSA पेलोड ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप की घटना को रिकॉर्ड किया। दावे के मुताबिक ये भूकंप 26 अगस्त के करीब आया होगा। दूसरी कामयाबी, चांद पर सल्फर की पुष्टि। इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान के जरिए मिली जानकारी से चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम के होने का पता लगा है। इसके अलावा चांद पर मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी है। तीसरी कामयाबी, चांद पर प्लाज्मा मिला। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम के जरिए उन्हें तमाम जानकारी हासिल हो रही है, जिसमें से एक साउथ पोल पर प्लाज्मा की खोज है। इसरो वैज्ञानिकों की माने तो लैंडर विक्रम में लगे रंभा LP ने चांद पर प्लाज्मा के होने की खोज की है। चौथी कामयाबी, साउथ पोल पर तापमान। इसरो की माने तो चंद्रमा के साउथ पोल पर अलग अलग गहराई के गड्ढे हैं और अलग अलग गहराई के तापमान में काफी अंतर है। साउथ पोल की सतह पर जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं 80 mm की गहराई में -10 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है। प्रज्ञान रोवर में लगे सेंसर अब तक के सबसे बेहतर सेंसर कहे जा रहे हैं। इसका सबूत है 27 अगस्त को प्रज्ञान का एक सीधे रास्ते से गुजरते हुए तुरंत अपनी दिशा से मुड़ना। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान को उस रास्ते पर 4 मीटर के गड्ढे के होने का पता लगा, जिसके बाद प्रज्ञान ने खुद अपना दूसरा रास्ता चुना। इस वक्त प्रज्ञान स्लीप मोड में है लेकिन वर्किंग है। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को जब चंद्रमा पर सूरज की पहली किरण पड़ेगी तब प्रज्ञान फिर जागेगा और चांद की सतह से जुड़ी जानकारी को इसरो हेडक्वार्टर तक भेजेगा।